D10 फेशियल स्टार्ट करने से पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्ला ऑफ द वर्ल्ड में। इसमें अदर फेशियल किट की तरह 5 स्टेप देखने को मिलेंगे, इसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं। D10 फेशियल एक स्पेशल फेशियल ट्रीटमेंट है जो स्किन को टैन फ्री करता है एंड स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। ये फेशियल ट्रीटमेंट स्किन की फॉलोइंग प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप्स है वो है क्लींजिंग। तो यहाँ हम क्लींजिंग मसाज कर रहे हैं और आप देख सकते हो किस तरह से मसाज करनी चाहिए। स्मूथली हमने मसाज किया है। टैन को रिमूव करने के साथ साथ स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड स्किन ब्राइटनेस को भी बढ़ाता है। आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको भी रिमूव करता है, स्किन को हाइड्रेट बनाता है। जब भी हम क्लींजिंग करते हैं तो इससे चेहरे की सफाई तो होती है एंड डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है एंड स्पेशल सॉल्यूशन जो टैन को रिमूव करता है। तो इस तरह से हमारे क्लींजिंग के बेनिफिट देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हमारे ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप हमारा रहेगा स्क्रब। अगर मैं D10 स्क्रब की बात करूं तो जितने भी आपके चेहरे पर डस्ट ऑब्जर्व हो रखी है और जितनी भी टैनिंग हो रखी है इन सभी को रिमूव करता है। D10 से आपको एक अच्छा लुक देखने को मिलता है एंड ये डेड स्किन सेल्स और टैन को भी रिमूव करता है, स्किन टोन को इम्प्रूव करता है और ब्राइटनेस को भी बढ़ाता है। साथ ही स्किन टोन को इवन करता है और डार्क स्पॉट्स वगैरह को रिमूव करता है। स्किन को हाइड्रेट करने के साथ ये मॉइस्चराइजर लेवल को भी मेंटेन करता है। स्क्रब करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि अपने हाथों को बहुत ज्यादा टाइटली नहीं चलाना होता। हो सकता है आपको वीडियो में देखने में लग रहा हो कि हाथों की जो स्पीड है वो हाई है, बट ऐसा नहीं है। और ये वीडियो मैंने आपके लिए शॉर्ट ही बनाई है क्योंकि बाकी जो वीडियोस हैं वो थोड़ी लॉन्ग है और मे बी आप थोड़ा सा बोर भी होने लगते हो। तो गाइज बोर नहीं हुआ कीजिए क्योंकि यहाँ पे मैं ये एजुकेशनल वीडियोज बनाती हूँ और जो लोग पार्लर में इंटरेस्ट रखते हैं ये उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो इसी के साथ हमारा स्क्रब भी कंप्लीट हुआ और स्क्रब अब हम यहाँ पे क्लीन करेंगे। स्क्रब को आपको टिश्यू की मदद से अच्छे से क्लीन करना है क्योंकि इसके बाद का जो हमारा स्टेप है वो है क्रीम। तो क्रीम में हमारा अगर स्क्रब आएगा तो काफी डिस्टर्बेंस रहता है और इसीलिए हम यहाँ पे 2 से 3 बार स्क्रब को क्लीन करते हैं प्लेन वाटर से। तो आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना है कि जब भी आप स्क्रब करो तो उसको अच्छे से क्लीन करना है क्योंकि इसके बाद हमें क्रीम करनी है, फिर क्रीम करने में मजा नहीं आता। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं किस तरह से क्लीन कर रही हूँ और जितनी भी टैनिंग वगैरह है वो काफी हद तक रिमूव हो जाती है। अगर आप 2 बार D10 करवाते हो ना तो आप रिजल्ट खुद देखोगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा क्रीम। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप फेशियल किट पर मत जाना कि फेशियल किट पे तो 4 नंबर टाइप हो रखा है, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है अपने स्टेप्स के अकॉर्डिंग क्योंकि काफी फेशियल किट है जिनपे स्टेप्स इधर उधर हुए होते हैं। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि फेशियल में स्क्रब के बाद क्या होता है, क्रीम के बाद क्या होता है, या फिर अगर आप क्लीनअप भी कर रहे हो तो क्लीनअप में किसके बाद क्या होता है, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने क्लीनअप वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लीजिए, मैंने फुल एक्सप्लेन कर रखा है। इसमें आपको शॉर्ट वीडियोज भी मिल जाएंगी जिनमें मैंने आपको बता रखा है कि क्लीनअप में आपके कितने स्टेप होते हैं और किस तरह से किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रीम की। क्रीम का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये हमारी स्किन को हाइड्रेट एंड सॉफ्टेंस स्किन बनाए रखती है। अगर आप एक्ने, हाइपर पिगमेंटेशन, पिंपल्स इन सभी से परेशान हैं तो D10 से आपको काफी हद तक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। डिटेन करने का मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये लगता है कि ये सन टैन को भी हाइड रखता है और जितने अगर आपके फेस पे सन टैन वगैरह हो गई है तो उसे भी रिमूव करता है। फ्रेंड्स, अगर आप ऑफिशियल हो, वर्किंग हो, तो आपको फेशियल्स मंथली जरूर लेना चाहिए। इससे आपकी टायर्डनेस तो दूर होती है, साथ में जितनी भी सन टैन वगैरह हो गई है, जितनी भी थकावट है, उससे भी काफी आराम मिलता है। अगर मैं इसके बेनिफिट की बात करूँ तो आप देखोगे कि अगर आपको स्ट्रेस, टेंशन वगैरह है तो वो होती है और साथ ही रिलैक्स मिलता है, आपकी बॉडी कामनेस रहती है एंड आपकी जो स्लीप क्वालिटी है, आपका जो सोने का टाइमिंग है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है एंड हेडेक वगैरह रहता है या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो भी फेशियल से काफ़ी रिलैक्स देखने को मिलता है। और मैं आपको बोलूँगी कि आपकी जो मसल्स है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह काफ़ी सही रहता है, तो इसीलिए आपको मंथली फेशियल जरूर लेना चाहिए। फेशियल करने से एक बार में तो वो रिंकल
रिंकल्स या फाइन लाइंस नहीं कम होती हैं, लेकिन आप इसको मंथली कराओगे तो आप काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखोगे कि हाँ काफ़ी फर्क पड़ता है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हुआ और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप यानी कि गाइस मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देना चाहती हूँ कि ये जो हमारा डी टैन है इसमें हमारा जेल वगैरह जो भी होता है वो सभी क्रीम फॉर्म में होता है, वो जेल वाली क्वालिटी में नहीं दिखाई देता है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे अब हम अपना फोर स्टेप कर रहे हैं। जो लोग डेली बेसिस पे फेशियल्स वगैरह लेते हैं यानी कि मंथली जो भी लोग फेशियल्स रहते हैं उन्हें पता होगा कि फेशियल्स के बेनिफिट्स क्या हैं और फेशियल कराने के बाद बॉडी कितनी रिलैक्स हो जाती है, साथ ही इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। और अगर कोई ओकेशन है तो ये फेशियल्स आपकी स्किन को प्रिपेयर करते हैं किसी स्पेशल फंक्शन के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी सी वीडियो को शॉर्ट करके दिखाया है और आप जब भी स्टेप्स करो तो थोड़ा सा टाइम लेके करना। और डी टैन है तो डी टैन में मैं इसके प्राइस भी बताती हूँ, काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैम इसकी स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए। देखिए अगर आप फेशियल कर रहे हो डी टैन का तो ये 800-900 ऐसे जाता है और अगर आप इसका क्लीनअप कर रहे हो तो ये 500 के अराउंड जाता है। ये मैं अपनी लोकेशन के प्राइजेस आपको बता रही हूँ, बट हाँ ये डिपेंड भी करता है आपकी लोकेशन के ऊपर कि आपकी लोकेशन कैसी है और कौन से एरिया से आप बिलोंग करते हो। तो आप अगर आपको प्राइस को लेके कंफ्यूजन रहते हैं ना कि क्या प्राइस रखना चाहिए, तो आप अपने आसपास एरिया में अपने आसपास पार्लर्स में पहले प्राइस पता कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने पार्लर में प्राइस रखिए। और मैं आपको बोलूँगी अगर आपका पार्लर न्यू है तो थोड़ा सा डिस्काउंट रखिए, जैसे कि आप ऐसा मत कीजिए कि अगर 500 का फेशियल है तो आप 400 में कर रहे हो, नहीं ये गलती मत कीजिए। आप ऐसे कर सकते हो कि फेशियल के साथ आप थ्रेडिंग 400 फ्री कर दीजिए। इसी के साथ हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हुआ और अब बारी हमारे लास्ट स्टेप की यानी कि पैक के। ओके तो पैक हम इनके हाथों वगैरह पे भी लगाएंगे, बट हाथों पे जो पैक लगेगा वो ग्लोइंग पैक है। यहाँ पे मैं आपको फेशियल करके दिखा रही हूँ इसलिए फेशियल के बारे में बताऊंगी। और आपको मैं बताती हूँ फेशियल जब भी आप फेस पैक लगाते हो तो आपको तरीके से लगाना है। मैं किस तरह से लगा रही हूँ देख लीजिए, और वीडियो मैंने काफी स्लो कर रखी है ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फेस पैक जब आपने एप्लीकेशन की उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट इसको लीव करना है यानी कि छोड़ना है और इसको ड्राई होने देना है। आपको मैं बता दूं ये जो हमारा फेस पैक होता है ये मोस्टली हमारा डी टैन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। और अब तो विंटर स्टार्ट हो ही रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है जब भी फेशियल कर रहे हो तो स्टीम ज़रूर लें, स्टीम से आपके चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आता है। और जो फेशियल्स आपने किया है क्रीम वगैरह की है तो वो क्रीम आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाती है और जो कि ग्लो बन के नजर आते हैं। वो कहते हैं ना कि 3-4 दिन में ग्लो आएगा, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो आपकी क्रीम होती है वो स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे करके अपना रिजल्ट देती है। अगर मैं बात करूँ डी टेन फेशियल की तो आपको रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए यानी कि 1 महीने का आपको टाइम बनाना चाहिए। और अगर आप वर्किंग हो तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने ऊपर। जो लोग हाउस वाइफ होती हैं वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखती हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं रखती हैं यार, उन्हें ऐसा लगता है कि हम तो ठीक हैं घर में ही तो कहाँ जा रहे हैं। बट गाइज ऐसा नहीं होता है, आपको ये चीज़ समझनी होगी, अपने लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा। आप कितना भी पैसा बचा लो वो नहीं बचने वाला, बट हाँ आप अपने ऊपर ध्यान दोगे तो आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करोगे और आप अच्छे से डील कर पाओगे, फेस कर पाओगे चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें भी फेशियल से देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था इनके मैं ग्लोइंग पैक वगैरह भी लगाऊंगी तो आप देख सकते हो। गाइज आज की वीडियो में यहीं फिनिश। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए।